हेलो गाइस, आज का स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ स्टूडियो पे और अभी जस्ट पहुँचा। भैया अभी छोड़ के मुझे ये जो फ्लैक्स यहाँ था फट चुका था, ये फ्लैक्स लगाने के लिए ऑर्डर देने के लिए गए, और जो आर्म स्टैंड चाहिए था उसके लिए भी ऑर्डर दे के अभी आया मैं। तो लेट हो चुका है, करीब 9:15 हो रहे हैं, सॉरी 10:15 हो रहे हैं स्टूडियो पे आते आते मुझे हो गया लेट। तो स्टार्ट करते हैं आज कितने क्लाइंट आते हैं, कितने टैटूज होते हैं। गाइस अभी जस्ट एक टैटू कंप्लीट किया और सर मतलब क्या ही बोले, इतने ज़्यादा पॉजिटिव थे या क्या उनके दिमाग में चल रहा था कुछ आइडिया नहीं। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ जिनका भी नाम लिखवाया या जिन क्या मतलब कमाल की कहानी है कि वो खुद से बोले कि भाई ना ही मेरा फोटो बनाना, ना ही मेरा वीडियो करना, ना ही मुझे फेस अपनी रिवील करनी। मैंने बोला सर टैटू तो दिख, फोटो क्लिक करने दीजिए। वो मुझे अपनी टैटू का फोटो तक क्लिक करने नहीं दिए, कह रहे हैं नहीं ये फोटो नहीं क्लिक करना है, आप बस टैटू बना दो। सो मैंने उनका टैटू कंप्लीट कर दिया, बनने के बाद कंप्लीट टैटू का भी फोटो क्लिक करने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं 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 आप रहने दो, बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैंने बोला सर आपका फेस नहीं रिवील करूँगा, फिर भी टैटू तो दिखा देने दीजिए। बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, टैटू स्टेंसिल कुछ नहीं दिखाना है। सो उनके टैटू कंप्लीट हो गई, काफ़ी खुश थे और गए यहाँ से। सो देखते हैं, अभी पूरा दिन ही बाकी है, 12 बज रहे हैं अभी, देखते हैं कि और कितने अपॉइंटमेंट्स आते हैं। सो गाइस अभी जस्ट एक ऐसे क्लाइंट आया है मेरे से टैटू के लिए पूछने के लिए, मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ी वाली ट्रक उसके ड्राइवर है और ये टैटू के इतने ज़्यादा शौकीन है कि भाई अपनी ट्रक साइड में खड़ा करके आए हैं यहाँ पे टैटू के बारे में पूछने के लिए। और इनकी टैटू जो है वो एक पोर्ट्रेट करवाना है इनको और एक बैंड करवाना है, बैंड ऑलरेडी इन्होंने कर रखा है और वो भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इन्होंने अपने हाथ से ये बैंड अपना कर रखा है, ये अपने हाथ से खुद लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे अपने खुद से इन्होंने इतना टैटू कर रखा है। सो मतलब क्या ही बोले, ये कमाल का एक्सपीरियंस है आज भाई का टैटू ये देख के। और भाई जिस तरीके से ट्रक अपनी साइड में खड़ी करके, पूरी लॉरी बड़ी सी खड़ी करके आए इधर, वो सामने वहाँ पे दिख रही होगी, वहाँ पे लॉरी अपनी खड़ी करके भाई यहाँ पे सिर्फ टैटू के लिए आया है। चलिएगा नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा कॉल करके आए भाई, नेक्स्ट टाइम जब भी आना होगा कॉल करके आइएगा। भाई की टैटू मतलब जो भी है वो आएगा नेक्स्ट टाइम अपना कॉल करके आएगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि मतलब ट्रक ड्राइवर हो के भी मतलब छोटे से स्टैंड ये देख के स्टैंड वो यहाँ पे आया, ये वाली स्टैंड देख के, तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है सच्ची में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की सेकेंड अपॉइंटमेंट। सर की टैटू है फैमिली से रिलेटेड, उसमें फैमिली है और फैमिली के ऊपर क्राउन बना रहे हैं सर, क्योंकि सर के मम्मी पापा दादी दादा और चाची चाचा सभी लोग से सर उतना ही प्यार करते हैं। सो इसलिए सर मॉम डैड की टैटू मैंने सजेस्ट किया था, सर ने बोला कि नहीं 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 ऐसा कुछ करेंगे अगर तो और सभी बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए सर का ये फैमिली वाला टैटू करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं ये टैटू और दिखाते हैं आप लोगों को कैसा टैटू बन रहा है ये। तो गाइस अभी जस्ट सरप्राइज मिला, मेरे दोनों भांजे आ चुके हैं यहाँ पे। रुद्दू इधर हाय हाय ये दोनों भी आ गए, भैया गए थे लेकर आने, और ये दोनों आके कह रहे हैं कि अंकित मामा टैटू बनाओगे, उन्नति का बना दो टैटू। दोनों अपनी पूरी पोटली पार के निकले हैं घर से, बैट बॉल जो भी है इनका खेलने का। और उन्नति इसमें बुक लाई हो क्या? उन्नति अपना बुक भी इसमें लाई है। तो देखते हैं कितनी पढ़ाई करते हैं ये लोग घर पे, क्योंकि ननिहाल में तो पढ़ाई होती ही नहीं, तो ये लोग भी ऐसा ही कुछ करेंगे सीन। मम्मी कब आएगी? मम्मी नहीं आएगी क्यों? मम्मी को नहीं आना है ये दोनों। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अकेले नानी के घर के लिए जिद कर रहे थे कि हम दोनों जाएंगे, मम्मी आप आओ ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता,
और आज सुबह से इतना कॉल भैया को आया कि अंत में भैया को अभी जाके शाम को लेके आना पड़ा। और देखते हैं ये लोग घर पे किस तरीके से उत्पात मचाते हैं। गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और आते ही घर पे इन लोगों का आतंक शुरू। अपनी पोटली खोल दी है और ये तो अपना गन लेके बैठ गया। चलाओ गोली खत्म, इसकी गोली खत्म हो गई। अभी कंटिन्यू 6-7 फायरिंग किया है। फिर से रिलोड करो, रिलोड करो, रिलोड कर रहे हैं। मतलब होली हम लोग के घर पे इस बार पता ही नहीं चला कि कब बीत गई। मैं स्टूडियो पे था, घर पे सबसे छोटा मैं ही हूँ और मैं घर पे था ही नहीं, स्टूडियो पे था। और होली वाले दिन ऑफ मारा तो बाहर घूमता रह गया। पटाखे उठाके इस बार कुछ आया नहीं। अभी इन दोनों के आते ही उत्पात शुरू है। डाकू मंगल सिंह आ चुके हैं घर पे। डाकू मंगल सिंह इधर आओ, थोड़ी YouTube फैमिली को हाय बोलो। तो हाय डाकू मंगल सिंह, बंदूक दिखाओ अपना। जोर से बोलो, हाय बोलो। हाय कैसे हैं आप लोग? मैं आ चुका हूँ डाकू मंगल सिंह। So guys, आज का ब्लॉग एंड करना भूल गया था। अभी एक क्लाइंट का कॉल आया था, हमारे मतलब वाराणसी से कुछ ही दूर पे है एक भदोही शहर, तो वहाँ से उनका कॉल आया था कि कवर अप टैटू को करवाना है। मेरे पुराने क्लाइंट थे उत्कर्ष करके, तो उनकी कोई रिलेटिव नहीं है, तो उनको कवर अप टैटू चाहिए था। उन्होंने रोड साइड आर्टिस्ट से ऐसे बनवा लिया था एक शेर, जो कि बहुत ही गंदा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बहुत ही गंदा मतलब उन्होंने बना दिया है। तो उसको कवर अप करना है, मैंने एडिट करके उनको दिखाया इस टाइप को। तो अगर आते हैं वो कल, तो कल उनका ये कवर अप करना है और उनके रेंज से फिर क्या ही कर सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, आप अगर टैटू करवा रहे हैं तो प्रॉपर आर्टिस्ट के बारे में जान के उनके वर्क को देख के तब आप टैटू करवाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी जो आप मनी उसमें टैटू में आप लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, पैसे को प्रॉपरली मतलब कह सकते हैं फुल पैसा वसूल, इस तरीके से कुछ हो। टैटू आपने करवा रखे हैं और टैटू का मतलब ही नहीं समझ रहा है, कैसा टेढ़ा बना के छोड़ दिया है आर्टिस्ट ने और कम पैसे में बनवा रहे हैं, तो ये सब उसमें हाइजीनिक वर्क भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ स्किन इन्फेक्शन और HIV का ये सब खतरा भी रहता है। प्रॉपर जाके अच्छे से चेक करके आर्टिस्ट का वर्क देख के और सारे जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं आपके टैटूज में, उसको आप देखते रहिए कि वो सब सामान नया लगा रहे कि नहीं, प्रॉपर हाइजीनिक वर्क कर रहे कि नहीं। तो क्या ही बोल सकते हैं उनके टैटू पे, जो हुआ हो चुका है, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कल आते हैं तो उनका टैटू कवर किया जाएगा। आज की ब्लॉग को यही एंड करते हैं। तो रात के करीब 12:30 बज गए, सो मैं भी चलता हूँ एडिट करता हूँ ब्लॉग। कल ये ब्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा और मुझे भी नींद आ रही है, कल सुबह स्टूडियो में निकलना है। सो एंड करते हैं आज का ब्लॉग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती है। चलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।